अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर। अगला सवाल हसन मुस्तफ़ा ने पूछा, बड़ा ज़बरदस्त है। आज़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं वर्डप्रेस का डेवलपर हूँ, मैं फाइवर पे अपवर्क पे क्या कहते हैं काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर, लेकिन मुझे पक्की जॉब चाहिए अमेरिका या यूके में, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे अप्लाई करूँ, मुझे कुछ मशवरा दें। अच्छा, ये जो हसन आप कह रहे हो, ये फिर वीडियोग्राफर्स को, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, प्रोग्रामर्स को, सबको अप्लाई कर सकती है। अव्वल तो आपको ठीक ठाक एक पोर्टफोलियो बनाना है ना, आपको इस काम में बहुत माहिर हो जाना है। जो कल शुरू हुए ये प्लीज़ मशवरा मत इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारा नुकसान है एट द एंड ऑफ द डे, सबका साझा नुकसान है और आपको जॉब भी नहीं मिलनी। करना आपको क्या है कि आपने एक फॉरेन का शहर पकड़ लेना, फर्ज कर आप सिडनी पकड़ लेते हो, न्यूयॉर्क पकड़ लेते हो, यूके में मैनचेस्टर पकड़ लेते हो, वहाँ पे आपने गूगल में लिखना है कि वेब डिज़ाइन इनकी, क्योंकि वेब डिज़ाइन का तल्लुक है, वेब डिज़ाइन कंपनीज इन मैनचेस्टर। फिर एक एक का ईमेल निकालना है, फिर एक एक को आपने क्या कहते हैं फ़ोन नंबर भी ले लो, ईमेल भी ले लो। ईमेल में आपने हल्की सी एक टेम्पलेट बनानी है, जिसमें आपने बताना है कि ये मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान रहता हूँ, मैं फुल टाइम जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ रिमोटली, लेकिन बेनिफिट्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, वाई यू शुड हायर मी, मैं ये पोर्टफोलियो देख लें काम कर सकता हूँ, मैं कितनी एक साइट, दो साइट, तीन साइट, चार साइटें रोज़ जो है ना वर्डप्रेस की सेटअप कर सकता हूँ, मेरी स्पेशलिटी क्या है जी, मैं ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं वो कर सकता हूँ, या जो भी आप, जिसमें भी आपकी स्पेशलिटी है, आपको मुझे सैलरी कितनी चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, आप नॉर्मली यूके में क्या देते हो, फ़र्ज़ करो आप कहोगे 10 पाउंड आप देते हो एक बंदे को, और उसको 10 घंटे 8 घंटे रोज़ बिठाते हो, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी आप देते हो, मुझे सिर्फ 10 पाउंड रोज़ के चाहिए, तो देख लो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। और साथ अगर आपके स्किल्स हैं, यार मुझे थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, ये भी जो एडिशनल स्किल्स है आप मेरे यूटिलाइज कर सकते हो, यानी मेरे से इस्तेमाल करवा सकते हो, मेरे स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हो, एंड बाकी आई एम श्योर कि आप बड़े समझदार हो, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, यू कैन मेक द डिसीजन योरसेल्फ। सिंपल सा ईमेल है, ऊपर क्या लिखना है, टू द अटेंशन ऑफ रिक्रूटर, टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजर, टू द अटेंशन ऑफ द ओनर, क्योंकि ये जो भी होती हैं वेब डिज़ाइन कंपनीज छोटी ही होती हैं, माकूल सी होती हैं, ओनर हमेशा सर पे बैठा होता है, क्रिएटिव जो होते हैं वो कभी मैनेजर्स पे नहीं चलाई जाती कंपनी, तो ट्राई करके देख लो, आई गारंटी कि अगर आप 10, 20, 15 को लिखोगे तो उनमें से एक ना एक ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ यार ट्राई करके देख लेते हैं। जो कॉस्ट हम एक घंटा किसी को यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे पूरा दिन हमें बच्चा मिल रहा है, और आपको पता हो आपके 60, 70, 80 हज़ार रुपये बनते हैं, ठीक है, सो ट्राई दैट, आपका पोर्टफोलियो भी भरेगा, आपको यानी फॉरेन एक्सपोजर भी मिलेगा, आपकी फिक्स्ड क्या कहते हैं अपना इनकम भी आ जाएगी, और प्लस यू गेट सैटरडे संडे ऑफ, जो वैसे एज ए फ्रीलांसर आपको नहीं मिलते, तो यू कैन टेल देम कि लुक आई वर्क 8 आवर्स अ डे मंडे टू फ्राइडे, आपके ही यूके टाइम पे काम करूँगा, आई वर्क ऑन ट्रेलो, मुझे पता ट्रेलो किस तरह होती है, या monday.com मुझे पता किस तरह इस्तेमाल होती है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सवाल था।